हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए टेम्पेस्ट में जो पोस्ट कोलोनियल थीम है, जो जिसे कि बहुत सारे क्रिटिक्स टेम्पेस्ट को पोस्ट कोलोनियल थ्योरी से जोड़ते हैं, मैं आज आपके लिए वही टॉपिक लेके आया हूँ। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट टॉपिक है और आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, और ये नेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि आप देखिए कि कैलिबन का नाम शेक्सपियर ने, जिसे हम रफली कह सकते हैं कि कैनिबल है, तो इससे हमें हम ये कह सकते हैं कि शेक्सपियर एक इनडेप्थ डिस्कशन दे रहा था मॉरेलिटी ऑफ कॉलोनिज्म के बारे में, कि कैलिबन मींस कैनिबल। और भी कुछ व्यूज हैं, जैसे कि हम गोंजालो का यूटोपिया की बात कर सकते हैं, प्रोस्पेरो ने कैलिबन को एनस्लेव गुलाम बनाया था और कैलिबन ने उसका विरोध किया था। कैलिबन हम एक सबसे ज्यादा नेचुरल करेक्टर भी मान सकते हैं, जो कि नेचुरल वर्ल्ड से बहुत ज्यादा कनेक्ट रहता है, और मॉडर्न ऑडियंस ये भी कह सकती है कि कैलिबन जो था वो स्टीफनो, उसके जो फ्रेंड थे स्टेफनो और ट्रिंकलो, उनसे ज्यादा नोबलर था। हालांकि ऑथर के तो बात अलग थी, लेकिन ये ऐसा भी हम कह सकते हैं। टेम्पेस्ट जो है वो हमें कॉलोनिज्म के बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स दिखाता है। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि शेक्सपियर ने जो है दिखाया कि यूरोपियंस ने फॉरेन टेरिटरीज को एक्सप्लोइट करना स्टार्ट किया, और उन्होंने इंडिजीनस पॉपुलेशन थी, जैसे कि कैलिबन और एरियल, इन्होंने दोनों को सबॉर्डिनेट बना दिया। हालांकि ट्रीटमेंट अलग अलग था, कैलिबन को गुलाम बनाया गया, एरियल उसका सबॉर्डिनेट था, और यूरोपियंस ने ये क्लेम किया कि हम इन्हें क्रिश्चियनिटी और सिविलाइजेशन में इनको लेके जा रहे हैं। जैसे कि प्रोस्पेरो ने क्रेडिट लिया कि उसने कैलिबन को यह सिखाया कि कैसे बोलना है, और लेकिन यह भी देखे कि उसने एरियल को आजाद करवाया, लिबरेटेड कर दिया। यूरोपियंस जो कॉलोनिज्म का यूज करते थे, वो उनका एक तरीका था जिसमें वो अपने ऊपर से प्रेशर हटा देते थे। जैसे कि आप देखिए कि प्रोस्पेरो जो था वो कैलिबन के आइलैंड में आया था, जहाँ पे जब सेबेस्टियन उसे छोड़ दिया था वो कैलिबन के आइलैंड में आया था। गोंजालो एक आइलैंड सोसाइटी को जाता था, जिसने कि जो यूरोप के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है, वो जितनी भी बैड थिंग्स है, उन्हें करेक्ट कर देंगे। और लोअर क्लास मैन जैसे कि स्टेफनो और ट्रेंकलो थे, वो कैलिबन को एक्सप्लोइट करना चाहते थे और वो कॉलोनाइज स्पेस का रूलर बनना चाहते थे। इसके बाद में क्या हम ये भी देखते हैं कि कैलिबन को गुलाम बना दिया गया, जैसे कि कंक्वायरिंग नेशंस, जैसे कि इंग्लैंड ने इंडिया को जब कॉलोनाइज किया तो उसने इंडिया के जो नेटिव लोग थे उनको अपना गुलाम बना दिया गया। इस गुलामी, इस कॉलोनाइजेशन के कारण उसे बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा, उसे अल्कोहल मिलता था, और वो इस गिफ्ट को मिसअंडरस्टैंड कर गया, और वो गिवर, क्योंकि वो इस कस्टम, इस कल्चर का अकस्टम्ड नहीं था, उसे इस कल्चर के बारे में आदत नहीं थी, इसलिए जब उसे अल्कोहल मिला तो उसने गिवर और गिफ्ट को मिसअंडरस्टैंड कर दिया, और वो एक प्लॉट बनाता है। वो स्टेफनो को ये वो चाहता है कि स्टेफनो जो है वो आइलैंड का लीडर बन जाए, वो अपनी गुलामी के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, जैसे कि लेकिन जितनी बहुत सारी कॉलोनीज थी वो ये नहीं रियलाइज कर पाता है कि लीडर का जो खुद ओन चॉइस करेगा वो भी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीका भी इसी चीज से डीलिंग कर रहा है, जैसे कि उसने जब यूरोप के नेशंस को वहां से बाहर निकाल दिया तो उसने क्या देखा कि हम सब लोग सिविल वार में फंस गए हैं और हम बुरी तरह से अनस्टेबल हो गए हैं। इसी तरह से और भी नेटिव जो हैं वो प्रोस्पेरो की वेल्थ से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और वो उसे हटाना चाहते हैं, और वो क्या कहते हैं कि हमें रिबेलियन की जरूरत इसलिए नहीं है, कम्फर्ट एक्सीड फ्रीडम। इसका मतलब यही हुआ कि सर, आदमी को आजादी मिले ना मिले, अगर उसे कंफर्ट मिलता रहता है तो फिर वो गुलाम बने रहने को रेडी हो जाता है। यही ही जो है पोस्ट कॉलोनियलिज्म की थ्योरी है, जो एडवर्ड साइड ने बताई थी। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।